पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सूरत हाल है। अब तो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग ये जिम्मेदार हैं चेस वाले, चेस के ओनर, उनको कोई बुलाकर क्यों नहीं यहाँ पे खड़ा कर रहा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करे। उनके लालच की और लापरवाही की वजह से हम आज यहाँ पे इतने सारे लोग बेघर हैं, ठीक है ना। और हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए, हमारे साथ खड़े हों, हमारी हेल्प करें, हमारा साथ दें, इसलिए कि हम लोग टैक्स देते हैं, हम मेमन बरादरी हैं और आपको पता है सबसे ज़्यादा टैक्स मेमन बरादरी देती है। कारोबार भी 80% यहाँ कराची में मेमन बरादरी कर रही है। अब ये कि हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि आए और हमारी मुश्किल वक्त में हमारे साथ दें। सिंध हुकूमत है, बिलावल भुट्टो है, बख्तावर से कहूँगी कि वो औरत है, वो हमारे दर्द को समझे। एक औरत के लिए घर और बच्चे ही कुल कायनात होते हैं, ठीक है ना। तो अब सोचे वो कि अब हमारे बच्चे बेघर हुए हैं। मेरे साथ, मैं एक अपनी खुद की अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस पूरी बिल्डिंग में रहने वाली औरतों की तरफ से बोल रही हूँ। तो सिंध हुकूमत से है कि दरख्वास्त के आए वो इधर, मुराद अली शाह आए, बिलावल आए, हमारा साथ दे, हमारी मदद करे मुश्किल वक्त में हमारा, इसलिए कि हम टैक्स देते हैं ना, तो हमारा क्या इतना भी हक नहीं है? तो फिर कहाँ, हम जंगल में थोड़ी रह रहे हैं, है कि नहीं, आप बताएं, खुद सोचें। और ये कि उनको बुलाए ना, चेस वालों को बुलाए ना, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो लोग कहाँ हैं, क्यों इधर नहीं आ रहे, यहाँ पे खड़े क्यों नहीं हैं? उन्होंने तो अपना सारा माल इंश्योर करवाया होगा, तो वो तो चैन से बैठे हैं। यहाँ पे कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, कितनी परेशानी में है, किसी के पास कोई रहने की जगह नहीं है। तो अब ये कि बस सिंध हुकूमत हमारे साथ खड़ी रहे और उनको यहाँ पे ला के खड़ा करे, गिरफ्तार करे और इस मसले का हल करें।